3000 रुपए लाडली बहनाओं को आगे जाके किए जाएंगे, ऐसा जब योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था। अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और अभी जो बजट आया है, क्या इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है कि इस राशि को अगले कुछ महीनों में बढ़ाया जाना है? देखिए, जहाँ तक क्योंकि मेरे पास ये विभाग है और हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ तो ये सवाल सबसे पहले आता है कि भाई इसका क्या हुआ, 3000 देने वाले थे। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाडली बहनों से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। निर्मला भूरिया से सवाल हुआ कि फिलहाल इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को सरकार 1250 रुपए दे रही है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कब किया जाएगा। इस पर निर्मला भूरिया ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूंगी कि 3000 कब मिलेंगे, ये बताना मुश्किल है। आने वाले समय में देखते हैं क्या किया जा सकता है। 3000 रुपए लाडली बहनाओं को आगे जाके किए जाएंगे, ऐसा जब योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था। अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और अभी जो बजट आया है, क्या इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है कि इस राशि को अगले कुछ महीनों में बढ़ाया जाना है? देखिए, जहाँ तक क्योंकि मेरे पास ये विभाग है और हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ तो ये सवाल सबसे पहले आता है कि भाई इसका क्या हुआ, 3000 देने वाले थे। लेकिन अभी जो स्थिति है कि हम 1250 रुपये हमारे सभी बहनों को हम लोग दे रहे हैं, और ये ऐसा विषय है कि पॉलिसी मैटर है, और आने वाले समय में इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इस योजना में और क्या कर सकते हैं। एक ये तो ठीक है कि हम लोग 1250 रुपये उनके खाते में डालते हैं, लेकिन एक चीज़ इसको ये करके कि हम किसी उससे जोड़ करके भी महिलाएं जो हमारी हैं जिनको मिल रहा है या जो पैसा और भी अगर मिलेगा तो उनको और भी कुछ चीज़ें सिखा करके और आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इस ओर भी हमारे सरकार का ध्यान है और मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात की हुई थी। हम और इसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, इसके ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि इसमें 3000 कम मिलेंगे, कोई निश्चित तिथि या ऐसा कुछ बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें होती है, 5 साल के लिए सरकार बनती है और 5 साल तक ये चीज़ें करनी होती है, तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।